एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो है वो 5.3 होगा। इससे पहले भी हम लोग दो क्लास कर चुके हैं 5.3 के, तो जो क्लास को नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। यह क्लास भी आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी VVI होगा, तो क्लास में बने रहेंगे आखिर तक हमारे साथ और ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझेंगे मैथ के सॉल्यूशन को। सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ जो हम लोग आज सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 से। किससे सीखेंगे? वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो लिख देते हैं 3 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कई क्वेश्चन को सीखेंगे, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, वो है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो इसमें कुछ वैल्यू दी गई है एपी के, जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन और आपके पास तो होगा ही बुक। ए इक्वल में दिया गया 5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर आपको डी का वैल्यू दिया गया कितना, 3 है। और आपको कहा गया, और जो आपका दिया गया ए एन दिया गया है 50 दिया गया ए एन का वैल्यू। तो हमें जो निकालने के लिए कहा गया वो n का वैल्यू निकालना है और sn का वैल्यू निकालना है। फिर देखिए लिख देते हैं n बराबर वाट और लिख देते हैं sn बराबर वाट। क्वेश्चन तो क्लियर है, यानी कि किसी भी एपी का प्रथम पद मालूम है 5, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस मालूम है कितना 3, और nवां पद यानी कि अंतिम पद कितना है 50। तो हमें ये जो इनवा पर अंतिम पद 50 है, तो कैवे नंबर में 50 होगा वो इन का वैल्यू निकालना है और निकालना है उतने पदों का योग यानी के ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो फॉर्मूला जो होता है वो दो ही फॉर्मूला हम लोग अभी तक पढ़े हैं, एक ए एन का फॉर्मूला होता है, एक एस एन का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कई क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में हम लोग इसी दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। जिसका वैल्यू दी जाएगी, अगर ए एन का वैल्यू मालूम होगा तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन का वैल्यू मालूम होगा तो एस एन का फॉर्मूला लगा के, जो अज्ञात जो रहेगा वहां पे शब्द उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी और इक्वल में क्या होता है आपका ए एन। या आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ए एन यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी आप लिख सकते हैं। चूंकि इस फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो हमें मालूम क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू मालूम चल जाएगा, तो एन भी आंसर हो जाएगा। और जब एन एन का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, एस एन निकाल लेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ हम सब पे मान रख देते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना है, 5 है, a बराबर 5 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, n का n माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 3 है, 3 लिख दीजिए इक्वल, और an का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 50 है, तो आप 50 लिख लीजिए ऐसे। क्लियर है इतना? बहुत इजी क्वेश्चन सब है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ समझते चले, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है उनको भी समझ में आज आएगा, ठीक है। अब पूरा आप सीख के जाइएगा। अब देखिए करेंगे क्या हम, ये जो आपको 5 दिख रहा है, चूंकि पहले a का वैल्यू उस पार जाता है तो 5 को हम कर देंगे बराबर इक्वल के उस पार, तो आपका यहाँ जो बचेगा वो रह जाएगा n माइनस 1 इंटू में 3 ये वाला इतना। ये 5 को कर रहे हैं उस पार, तो पहले से क्या आपका 50 हो जाएगा माइनस में 5, चूंकि ये आपका प्लस में 5 है, जैसे ही बराबर का ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है वो माइनस में हो जाता है, प्लस माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहां से करने वाले 3 को बराबर के उस पार, इसके साथ जो 3 है वो क्या मल्टीप्लाई गुना में है, जैसे ही बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में यानी कि भाग में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 पहले से है इक्वल, माइनस कर दीजिए तो होगा 45, 45 होगा। क्लियर इतना? और ये 3 को जैसे ही उस पार कीजिएगा तो क्या होगा, बाई 3 बटा में 3 हो जाएगा, चूंकि यहाँ क्या गुना में है उस पर जाके भाग में हो जाएगा। अब तो काटिएगा तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा।
तो देखिएगा यहाँ पे तो n माइनस वन इक्वल में क्या बचा आपका 15। तो वन को जैसे ही आप उस पार कीजिएगा तो क्या होगा n इक्वल में 15 और प्लस में वन यानी कि n बराबर कितना आ गया आपका 16। ये आपका निकल के आ गया ए का आंसर। क्लियर इतना। n का वैल्यू कितना आ गया आपका 16 यानी कि 16 निकल के आ गया जो कि आपको ये दिख रहा था n का वैल्यू निकालना। एक आंसर मेरा कंप्लीट हो गया है ना। बहुत इजी है कि नहीं है। जब n का वैल्यू 16 निकल गया तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आपका आगे क्या देखिए तो एस एन का वैल्यू निकालना। बिल्कुल एस एन का भी वैल्यू निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहां फिर एस एन का दो फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया है। एस एन का कितना फॉर्मूला? दो फॉर्मूला। एक होता है शॉर्ट फॉर्मूला, एक होता है लॉन्ग फॉर्मूला। होता कि नहीं होता? तो लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फर्क होता है? जब आपको अंतिम पद मालूम हो शॉर्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पे क्या होता है एन बाई टू ए प्लस में एल। लॉन्ग फॉर्मूला लगेगा तो होता है एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी। बात आपका वहीं पहुंचेगा। ठीक है तो देखिए यहाँ ये आप कह सकते हैं एस एन एस एन का वैल्यू कितना निकल गया देखिए तो 16 यानी कि 16 पदों का योग 16 बाई टू है ना, 16 बटा दो हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना 5 है, यहाँ देख सकते 5। और प्लस एल का वैल्यू क्या होगा? अंतिम पद 50 है ना। अंतिम पद को एल कहते हैं और ए एन भी कहते हैं। ये आपका कट हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, काटिएगा तो आई गुना, चूंकि हमें गुना का सिंबल है दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका 55। कितना होगा? 55 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका हो जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 40 के जीरो हाथ से बच गया। कितना कितना दिख रहा है आपको? 4 8 5 40 और 4 कितना होगा आपका 44। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ज्यादा अगर इच्छा कर रही है दोनों आंसर को एक साथ लिखने का तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए n बराबर 16 और s n बराबर कितना 440 इस तरह से करके और एक साथ भी आप आंसर कर सकते हैं। नहीं तो एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ भी कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सही बनेगा। ठीक है और एक साथ कर दीजिएगा तो और बेहतर होगा। क्लियर इतना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी और आसानी से इसका आंसर भी आ गया n बराबर 16 और ये एस एन कितना है आपका 440 आ गया। इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। जो स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ठीक है, ताकि हम बताएंगे अगला क्वेश्चन। तो इसको हम साफ कर देते हैं यहां से, ये आपका हो जाएगा साफ। देख लेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का। ठीक है तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब लोग लाइक करेंगे ठीक है, अभी बाद में आप लोग भूल जाते हैं, सब लोग लाइक कर देंगे और क्लास में बने रहेंगे, पूरा सीखेंगे ठीक है, पूरा समझेंगे अच्छे से, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा अगर पूरा क्लास में आप रहेंगे तो। ठीक है तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का। ठीक है चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग आपका 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है तो देख लेते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में कहता क्या है देखिएगा यहाँ पे, इसी तरह से मान दिए गए हैं, एपी के कुछ मान दिए जाएंगे और कुछ मान कहा जाएगा आपको निकालने के लिए। तो देखिएगा तो यहाँ पे ए बराबर 7 दिख रहा होगा आपको, ए बराबर कितना आपका 7 है। दूसरा क्या आपका ए 13 बराबर 15 है, ए 13 ए 13 इक्वल में 50। ए 13 मतलब 13वां पद, 13वें नंबर पे क्या आएगा एपी का 15 आ रहा है जबकि पहले नंबर पे क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है। ठीक है सॉरी 35 है, कितना 35। 13वें नंबर पे कितना आ रहा है आपका 35 आ रहा है जबकि पहले नंबर पे क्या आपका 7 है। तो बोला गया हमें डी का वैल्यू निकालिए, किसके वैल्यू डी का वैल्यू निकालिए और एस 13 का वैल्यू निकालिए, यही दो वैल्यू निकालने को कहा गया। यानी कि सार्व अंतर हमसे पूछा गया है और पूछा गया है 13 पदों का योग, क्योंकि एस एन मतलब होता है योग, ए एन मतलब होता है
इन वापद कोई भी आपका पदों की संख्या यानी कोई भी आपका पद निकालने को कहा जाएगा। अब देखिएगा 13वां पद कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ, यही तो मेरा आंसर देके जाएगा। ये जब ये निकल जाएगा तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। क्योंकि लिखेंगे 13वां पद बराबर कितना, 35 है, कोई दिक्कत, ये 13 का वैल्यू कितना, 35, ये आपका क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है ना इतना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, ए 13 को हम क्या लिखेंगे, पूरा चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन ऐसा पढ़े हैं, ए 13 को क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस में 12 डी। कैसे, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है, तो ये किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू है, और एन में से माइनस का होता है, 1 हो जाता है, इसका से 12 बन जाएगा वो। इसको हम क्या लिखेंगे, कितना डी करके, ए प्लस में 12 डी, कितना डी, 12 डी इक्वल में कितना आपका, 35। एक दो बार ऐसा नहीं लिखे हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन को ऐसे ही, जो भी आपका 5.2 था इसी पर तो आधारित था पूरा फॉर्मूला, है कि नहीं है, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा को ए प्लस 2 डी, चौथा को ए प्लस 3 डी, एक कम करके लिखते हैं। मान डाल लीजिए कुछ दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है और यहाँ पर डी दिख रहा है ना आपका, मेरे तो चर मान है ना, वेरिएबल्स यही है ए और डी। ए का वैल्यू रख लेते हैं, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ए की जगह पे 7 रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7, समझ में आया, 7 कहाँ से आया आपका, ए का वैल्यू आ गया, प्लस 12, और डी का वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो डी का डी लिखिएगा, इक्वल में 35। अब निकालना है हमें डी का वैल्यू, तो भेजना पड़ेगा सबसे पहले किसको, 7 को, उस पर भेज दीजिए, तो आपका इसमें बच जाएगा 12D इक्वल में 35 माइनस में 7, क्योंकि ये 7 है प्लस में, उस पर जाके हो जाएगा माइनस में। अब देखिएगा 12D इक्वल में 35 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए, आपका कितना होगा, ये आपका जाएगा 28, कितना होगा, 28 हो जाएगा। कैसे होगा, 35 में से 7 को माइनस करेंगे, 28 हो जाएगा। निकालना है किसका वैल्यू है, निकालना है हमें डी का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहां से 12 को बराबर के उस पार ट्रांसफर कर देंगे, तो देखिए यहां पर बच जाएगा आपका डी इक्वल में हो जाएगा आपका 28/12, ठीक है इतना। अब यहां से देखिएगा क्या ये कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, किससे कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि आपका दोनों 4 से कट जाएगा, कितना से, 4 से, ऐसे 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़ा अंक से काटेगा तो आसान हो जाएगा, 4 से काटेगा तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब वो हो जाएगा आपका, 4 से कटेगा तो 4 सते 28, कितना आपका, 4 सते 28 7, यानी कि डी का जो वैल्यू निकल के आया वो आया आपका 7/3, कितना निकल के आया, 7/3, यही डी का वैल्यू निकल गया, यानी कि आधा आंसर आपका आ गया। ये जो दिख रहा है आपको डी, डी का वैल्यू निकल के आपका कितना आ गया, 7/3 आंसर आ गया, ठीक है। फिर बोला गया क्या निकालने के लिए हमें, S13 का वैल्यू है ना, यानी कि SN का वैल्यू निकालने के लिए क्या गया, तो बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से ये आपका निकल जाएगा। इसके लिए क्या करने वाले हैं हम, बस जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं वैसे ही यहाँ ही बना लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए SN, तो SN का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस एपी में 13 ही पद है, 13वां पद कितना है, 35 है, और उसी 13 को जोड़ने पर बोला कितना आएगा वो हमें बताना है ना, करना है, तो आप शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चलिए यहाँ पे लॉन्ग लगा देते हैं, क्या दोनों से आपको आना चाहिए, लॉन्ग में क्या होता है, N/2 बड़ी बड़ाई के 2a+n-1 अगुना में d, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसका SN का यानी कि AP के योग का, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब का मान डाल देते हैं और उसको जो भी चिन्ह होगा उसका वर्क करेंगे और आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए N का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू देख सकते हैं, एन का वैल्यू कितना आया, आप कहेंगे एन का वैल्यू सर तो दिख नहीं रहा है, एन का वैल्यू बिल्कुल दिख रहा है, देखिए फॉर्मूला का आता है AN, ये जो दिख रहा है ना आपको यही तो आपका एन का वैल्यू है, या फॉर्मूला किसका होता है, देखिए SN,
देखिए एस एन लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, एस के जो यहाँ पे नीचे में रहेगा वो हमेशा एन का वैल्यू होगा, याद रखिएगा। और ए के जो नीचे में रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, वो भी एन का वैल्यू होगा। तो एन का वैल्यू कितना होगा आपका, 13/2। तो फॉर्मूला से है 2 × ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू देख सकते हैं 7 है, 7 लिख देते हैं यहाँ। प्लस एन का वैल्यू कितना होगा, 13 − 1। और डी का वैल्यू निकल के आया है कितना, 7/3, 7/3। अब क्या करेंगे, यहां से सबको सॉल्व कर देते हैं, 13/2 ऐसे ही रह जाएगा आपका 13/2। अब देखें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा 14। प्लस अब यहाँ देखिएगा 13 में से एक माइनस कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका, 12 बच जाएगा। 12 अगुना में कितना आपका, 7/3 है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 13/2 जैसे है वैसे लिख दीजिए इसको, और पहले ये गुना कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड मास आप लोग सब लोग जानते होंगे बोर्ड मास है ना। तो पहले क्या होता है बोर्ड मास के नियम के तहत, यहाँ अगर फॉलो करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ गुना है, तो पहले क्या होगा, गुना होगा बाद में प्लस होगा। तो पहले गुना करेंगे तो यहाँ 14 का 14 लिखते हैं, प्लस 4 3 12, 3 बार में सॉरी 4 बार में कट जाएगा, 3 × 12 है ना, 4 बार में कट जाएगा। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, लेकिन यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका, 7, दोनों को गुना कर लीजिए। था यहाँ पे गुना किया कितना होगा, 7 × 28 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 13/2 यहाँ पे होता है गुना, कहाँ पे, यहाँ पे होता है गुना, क्योंकि ब्रैकेट अब खत्म कर देंगे। और दोनों को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 42, कितना होगा जोड़ लीजिए, 8 × 4 = 12 के 2 हासिल बच जाएगा, 1 2 1 3 कितना होगा आपका, 4। अब देखिएगा तो गुना में क्रॉस कट जाता है, ऊपर नीचे गुना में कट जाता है, इसको इसे काटिएगा 21 टाइम्स में आपका वो कट जाएगा 42। तो आपका बचा कितना, तो यहाँ 13 × में बच गया आपका 21। अब कर देंगे दोनों को गुना, क्या कर देना, दोनों को गुना कर देना, और आपका आ जाएगा क्या आंसर, गुना कीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा होगा है ना। तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 13 को 1 से कीजिएगा, 13 का 3 हासिल कितना हो जाएगा आपका, 1 13 2 26 है कितना आपका, 27, यानी कि आ गया 273 का निकल गया आपका, 273 इसको गुना करके आएगा, यही निकलेगा आपका S13 का वैल्यू। आप यहाँ लिख सकते हैं SN का वैल्यू 13, ठीक है। तो S13 का वैल्यू कितना निकल गया, यानी कि SN का वैल्यू 13 पदों का जो योग होता है वो कितना निकल गया है, तो आया 273। और जो सर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो निकल गया है वो निकल गया है 7/3। तो आप यहाँ आंसर और वहां आंसर तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ एक साथ अगर कर दीजिएगा, इसके नीचे में आपके पास जगह जरूर होगा, वहां पर लिख दीजिएगा D = चूंकि ऐसे करके D = 7/3, और आप लिख सकते हैं S13 = 273, आप फिर इसका सिंबल करके और यहाँ आंसर कर दीजिएगा, तो ये जो है ना क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में आंसर चेक करने वाले को जरूर ध्यान नजर आएगा ये, तो वहां पे क्या होगा उनके लिए आसानी हो जाएगी है ना, और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि दो आंसर है तो एक साथ कर दिए, यहाँ पे निकालेंगे ऐसे ही प्रोसेस में, यहाँ भी आंसर लिख देंगे, यहाँ भी आंसर लिख देंगे, और एक साथ लिख के भी आंसर कर देंगे तो बेहतर होगा। क्लियर इतना, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें, चूंकि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में होता क्या है, पहला पद ए होता, एक सर्व अंतर होता है ना, एक एन होता है पदों की संख्या, एक एनवा पद होता है, और एक एन पदों का योग होता है, यही 5 चीजें होती हैं। उसी में से कुछ दिया जाएगा और कुछ हमसे पूछा जाएगा, बिल्कुल आसानी से हम बस इसी फॉर्मेट पे, या तो आपको एन का वैल्यू मालूम रहेगा या तो एसएन का वैल्यू मालूम रहेगा, ठीक है। जिसका वैल्यू मालूम रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है, उसके सामने लिख देना, जैसे देख सकते हैं 13वां पद मालूम था है ना, 13वां पद मालूम था कितना, 35। अगर तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना, 13 है, अगर ए एन देता है यहाँ पे ए एन तो दिक्कत होता थोड़ा, क्योंकि ना एन का वैल्यू मालूम होता ना डी का, तो फिर मामला बन सकता था, ठीक है। लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो भी क्वेश्चन देगा बहुत हिसाब से देगा, क्योंकि जो बनने वाला होगा वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं इसको साफ और देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर
तो जो क्लास में आप पहली बार आए होंगे क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि यहाँ पे लगातार जो क्लास चल रही है उस हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय से, और आप अपने एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो जो भी यहाँ पे बताया सबको क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका एक्सरसाइज का आपका 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समांतर से भी, शॉर्टकट में कहते हैं एपी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा, क्वेश्चन 3 है ना, थर्ड। तो थर्ड में भी क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, यहाँ पे बोला गया A12 का जो वैल्यू है वो 37 है। तो लिख लेते हैं A12 इक्वल में 37, और जो वैल्यू दी गई है वो है आपका D का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और जो है आपका पूछा गया है A का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा है? A का वैल्यू पूछा है, और पूछा गया है S12 का वैल्यू, S। यही तो क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग ये बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बन जाएगा आपसे बहुत ही आसानी से, है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा और पूरा पूरा 100% समझ में भी आ जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में होते भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या है, A12 में मालूम है 37, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कहा था आपको A13 मालूम था 35, जो वर्क वहां किए थे वही वर्क यहाँ करेंगे, वहां हमें D का वैल्यू निकालना था, A का मान मालूम था, यहाँ D का मान मालूम है, A का मान निकालना है, तो A का वैल्यू निकल जाएगा, फिर ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि A12 इक्वल में 37, ये तो आपके क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग आपको यहीं से सॉल्व कर रहे हैं, ये जो आपको लिख रहे हैं ना ये सब सॉल्व है, ठीक है, सॉल्व। क्योंकि क्वेश्चन के बाद जो मेन पॉइंट होता है वो लिखना पड़ेगा आपको, तो ये मेन पॉइंट था, इतना लिखना पड़ेगा आपको बनाने से पहले भी, ठीक है, सॉल्व जहां से स्टार्ट कीजिएगा इतना लिखना पड़ेगा, उसका फिर आगे प्रोसेस में बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मान जो रहेगा वो गायब कर दीजिएगा, नहीं, मान भी पहले लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यह पूरा लिखिएगा। और देखिए यहाँ क्या करेंगे, A12 को क्या कहेंगे हम लोग, 12वां पद को D के रूप में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं हम लोग A+12D, कितना, सॉरी 12 ना है, A+ में 11D लिखेंगे, कितना लिखेंगे, A+ में 11D। चलिए लिख लेते हैं A+11D, है ना, इक्वल में कितना होगा आपका 37 हो जाएगा, 37 हो गया। अब देखिएगा यहाँ तो D का वैल्यू हमें मालूम है और A का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, जो कि निकालना, तो A का आप A ऐसे ही छोड़ दीजिए, +11 इंटू में D का वैल्यू कितना 3 इक्वल में 37। अब बोले यहाँ A+ में का होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा आपका 33 इक्वल में कितना आपका 37 है, निकालिएगा ए का वैल्यू, तो भेजिएगा 37 को उस पार, तो ए के साथ ये क्या प्लस में है, उस पर जाकर होगा माइनस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर 37 पहले से है माइनस में 33, तो ए का जो वैल्यू निकल गया है वो निकल गया आपका 4। बहुत इजी है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ए का वैल्यू कितना निकल गया है यहाँ पे, 4 निकल के आ गया ए का वैल्यू, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है आपको ए बराबर वाट, ये निकल के कितना आ गया आपका 4 आ गया, क्लियर है इतना। चलिए जब ये आ गया है 4, तो हम लोग देख लेते हैं S12 का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। चलिए तो S12 फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे, फिर आप आंसर कर सकते हैं, फिर जो आपको S12 निकालना है, तो S12 के लिए आप शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और लॉन्ग तो अभी बताया ही है, शॉर्ट पहले होता है, चूंकि ये 12 है, अंतिम पद 37 ही आ रहा है, वह अभी क्या 12वें पद आपको निकालना है, 12 पद जो है ना वो अंतिम में क्या आपका 37। तो चलिए लॉन्ग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन से आप लोग बचे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ते रहे, बिल्कुल आसानी से आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी,
तो फॉर्मूला क्या होता है, 2a + n-1 इंटू में क्या होता है, डी होता है इसका फॉर्मूला Sn का, होता है ना। अब देखिए n का वैल्यू अभी हम जस्ट हमने बताया है, Sn होता है और An होता है। तो ए देखिए An और Sn, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है कि नहीं आ रहा, n का वैल्यू कितना होगा आपका 12। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 12/2, 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, देख सकते हैं यहाँ, एक यहाँ पर 4 लिख दिया, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 12-1 इंटू में, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है 12 है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 3, यहाँ देख सकते हैं 3, ब्रैकेट लॉक कर देंगे। आप डिवाइड कीजिएगा 6 टाइम में, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 6, ब्रैकेट देखें यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ग 1 साथ, आप लिख सकते हैं 12-1 तो क्या होगा आपका 11 हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 11 इंटू में क्या आपका 3 है, तो 3 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 × 8 प्लस यहाँ क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, ऐसा मत कर दीजिएगा कि 8 9 11, 11 को फिर 3 से गुना कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले गुना फिर जोड़, है ना, तो गुना कर देंगे यहाँ 33 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 × 33 में आप 8 को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 41, है ना, 33 और 8 कितना होगा आपका 41 हो जाएगा, दीजिए 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 246, कितना आया 246 आया 12 पदों का योग। क्लियर है ये पूरा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो मालूम रहेगा उसी को लागू करेंगे, उसी को लागू करने के बाद जो है यहाँ पे मान रख देंगे जिसका वैल्यू मालूम होगा, और आसानी से अज्ञात जो जो मान निकालना रहेगा, जो मतलब अज्ञात होता है, ज्ञात नहीं होता, वो निकल के आ जाएगा, फिर इसकी सहायता से इससे 12 का यानी कि Sn का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, तो आप यहाँ आंसर और यहाँ आंसर कर दिए, आप अगर इसको चाहे तो अलग में भी आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ ए का वैल्यू निकाले हैं तो इसे लिख सकते हैं, इसीलिए a = 4 और s12 = 246, ऐसे करके आप आंसर इसको लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से बन गया। उम्मीद करते हैं सब लोगों को तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आगे के क्वेश्चन को अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, तो क्लास को लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा, जो दोस्त आपके साथ नहीं होंगे, नहीं आए होंगे, सबको शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी क्लास आपकी आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द, जय हिंद जय भारत।